हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो भाई, आ चुके हम लोग पार्ट नंबर थर्ड के साथ ऑफ द चैप्टर नंबर वन, चेंजिंग ट्रेंड्स इन करियर इन फिजिकल एजुकेशन। एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद स्वैग। सो बिना किसी देरी के पार्ट नंबर थर्ड शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पार्ट नंबर थर्ड में, आज जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो चीजें क्या है। आज हम लोग पूरा टॉपिक खत्म करेंगे करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। स्क्रीन को ओपन कर देते हैं, यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो सबसे पहले आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन पढ़ेंगे, फिजिकल एजुकेशन टीचिंग पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स कोचिंग पढ़ेंगे, हेल्थ रिलेटेड करियर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी हैं, मतलब कि जितनी भी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं फिजिकल एजुकेशन में, हेल्थ रिलेटेड की बात करना बेसिकली क्या है, स्पोर्ट्स ऑफ ऑफिशिएटिंग है, मीडिया है, ट्रेनिंग करियर है, ठीक है। एंड लास्ट में कंक्लूजन है। ये सारी चीजें हैं बेसिकली, आज इसको अच्छे से समझेंगे एंड अच्छे से क्लैरिटी इसकी ले लेंगे आज, ठीक है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन की। स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन से आप लोग क्या समझते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी इमेज ले आता हूँ, एक आ गई, ठीक है। अब हम लोग बात करें स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन की। स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन से सिंपल भाई अपना मीनिंग क्या रहता है कि भाई स्पोर्ट्स को एज अ अपना प्रोफेशन चुन लेना, स्पोर्ट्स में अपना करियर आगे बढ़ाना, ठीक है। कभी भी हम लोग नॉर्मली भी अगर हम लोग बात करें करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन की, भाई मुझे फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बनाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, एज अ स्पोर्ट्समैन बनेंगे, ठीक है। सो नॉर्मली ये चीजें हमारे माइंड में आती है। तो भाई ऐसी बात है कि भाई स्पोर्ट्समैन अगर कोई बनना चाहते हैं तो भाई बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है। बस भाई किसी एक स्पोर्ट में आप लोगों को बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे वो स्पोर्ट कोई भी हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, एंड मैनी मोर भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें द स्पोर्ट्स मैन गेट द जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्पोर्ट्स मैन गेट द जॉब ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, ठीक है। वो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स मैन को जॉब मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस के। जॉब से मतलब क्या है, सबसे पहले जॉब से मतलब एक चीज समझ लो कि प्रमोशन। अगर उनका मतलब कि मान लो स्टेट लेवल में कोई स्पोर्ट्समैन है, वो खेल रहा है, तो अगर उसकी परफॉर्मेंस वहां पे अच्छी होगी तभी वो अगले लेवल पे बढ़ पाएगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस वहां पे नहीं अच्छी रही तो वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो अच्छी परफॉर्मेंस अगर उसकी रहेगी तो वो क्या होगा, अगले लेवल पे बढ़ जाएगा। सो यही चीजें होती है भाई, जैसी जैसी वो अच्छी परफॉर्मेंस करता रहेगा वैसे उसका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगला पॉइंट अपना क्या है, ठीक है, गेम एंड देयर ब्रेड सक्सेसफुली, ये तो सिंपल सी बात है यार। दे एस्टैब्लिश न्यू रिकॉर्ड बाय शोइंग देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, बिल्कुल यार, ठीक है। नए नए भाई वो रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, वो नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं, सिंपल सी बात है यार। कोई भी एक स्पोर्ट्स मैन है तो वो क्या करते हैं, नए नए रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं अपने, जो उसका एक पर्टिकुलर स्पोर्ट है उसमें वो क्या करते हैं, नए नए रिकॉर्ड्स कायम करते हैं, नए नए रिकॉर्ड्स बनाते हैं, और इसी अच्छी परफॉर्मेंसेस के चलते वो क्या करता है, और ज्यादा प्रमोशन उसका होता रहता है, मतलब स्टेट से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल से वर्ल्ड चैंपियनशिप, इन इन चीजों की तरफ उसका प्रमोशन ऐसे ही चलता रहता है। और दूसरी चीज भाई क्या रहती है, अगर कोई भी ऐसा स्पोर्ट्समैन बनता है तो सिंपल सी बात है कि भाई सैलरी तो सिंपल सी बात है, कोई मतलब ये बोलने की बात ही नहीं है कि सैलरी उसकी खराब होगी, सैलरी बहुत ज्यादा मतलब पे आउट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरी चीज क्या रहती है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी एक रिस्पेक्ट वो गेन करता है सोसाइटी के बीच में, एक कंट्री को रिप्रेजेंट जो कर रहा है, तो सोच लो कि वो सोसाइटी में कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट गेन करेगा, पूरी कंट्री उससे प्यार करेगी, ठीक है भाई। ये चीजें होती है। और उसके बाद यहां तक कि ऐसा होता है कि भाई बुक में मेंशन हो रखा है ये कि रिटायरमेंट के बाद, ये पॉइंट देख सकते हो, रिटायरमेंट के बाद भी भाई क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, वो क्या करती है, उनको एक रेप्यूटेड जॉब्स ऑफर करती है। मतलब कि जैसे कोई भी एक स्पोर्ट्समैन एज अ अपना स्पोर्ट्स वगैरह खेल के एक उम्र के बाद रिटायर अगर वो हो जाता है तो जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, वो उनके लिए क्या रहती है, एक अलग से मतलब वो उनको मतलब उनके लिए कोटा रखती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छी रेप्यूटेड जॉब्स उन्हें ऑफर करती है, ठीक है। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी उनकी एक रिस्पेक्ट रहती है,
ठीक है। अब हम लोग उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स एज अ करियर समझ में आ गई होगी, भाई स्पोर्ट्स को एज अ करियर चुनना, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसी के हिसाब से आप लोग उसको आगे अपना करियर परस्यू कर सकते हो। मतलब एक स्पोर्ट्स में आपको होना चाहिए कि भाई हाँ इस स्पोर्ट्स में मैं अच्छा हूं तो इसी से मैं आगे अपना करियर बना सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, दूसरी चीज है टीचिंग एज अ करियर की, ठीक है। टीचिंग एज अ करियर की अगर हम लोग बात करें तो भाई स्क्रीन डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। टीचिंग करियर की अगर हम लोग बात करें तो टीचिंग करियर, सिंपल सी बात है कि भाई टीचिंग करियर में अगर हम लोग बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज टीचिंग करियर में कैसी है, भाई अच्छी है यार। बट बेसिकली कहां से वो शुरू होती है, अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्री स्कूल्स में, एलिमेंट्री स्कूल्स कौन कौन से होते हैं, 1 to 5th क्लास तक के जो स्कूल होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल। वहां तो हम लोग जैसे कि जानते हैं फिजिकल एजुकेशन एक कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है, मिडिल स्कूल्स में भी फिजिकल एजुकेशन कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है, हाई स्कूल्स में भी फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी सब्जेक्ट्स नहीं है। तो इन तीनों में तो क्या हो गया, फिजिकल एजुकेशन की हालत अच्छी नहीं है, मतलब फिजिकल एजुकेशन में करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। फिजिकल एजुकेशन में टीचिंग की जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो कब से बढ़ती है, जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, 11th क्लास से, क्योंकि एक फिजिकल एजुकेशन अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल एजुकेशन अपना क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, एंड 12th में, उसके बाद यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बुक में लिख रखा है कि भाई कौन कौन से टीचर्स को हायर करते हैं जो कि क्या होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री वाले होते हैं, जैसे कि ये PhDN हो गए, ठीक है, MPHIL, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज दे रखी है, इसको एक बार आप पढ़ सकते हो, ठीक है, क्लियरली पढ़ सकते हो आप, ठीक है। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यार, उम्मीद करते हैं टीचिंग एज अ करियर समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। टीचिंग एज अ करियर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट जॉब किसको मिलती है, एक मतलब कि एक नॉर्मल डिग्री वाले फिजिकल एजुकेटर्स को भी जॉब प्रोवाइड ज्यादातर नहीं करी जाती, जो कि मतलब हाई डिग्री वाले जिन्होंने PhD कर रखी है, ठीक है, स्पोर्ट्स वो फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। तो उनको ही बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो क्या करती है, जॉब ऑफर करती है। होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अपना क्या है, स्पोर्ट्स कोचिंग, ठीक है। स्पोर्ट्स कोचिंग की अगर हम लोग बात करें तो भाई स्पोर्ट्स कोचिंग में भी भाई बहुत ज्यादा अच्छी है करियर अपॉर्चुनिटीज, देख रहे हो ना, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन में कितनी ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है भाई, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ये बना के रखा हुआ है, ठीक है, कि बायो में करियर अपॉर्चुनिटीज है, PCM में करियर अपॉर्चुनिटीज है, PCB में है, कॉमर्स में है, भाई बहुत जरूरी नहीं है जिसको फिजिकल एजुकेशन से करियर आगे अपना परस्यू करना है तो वो बिल्कुल कर सकता है यार, और बहुत अच्छी मतलब उसकी पे आउट होगी एंड एक रिस्पेक्ट भी उसको मिलती है, जैसे कि कोई भी एक फिजिकल एजुकेटर है उसको भी क्या होती है कि एक रिस्पेक्ट मिलती है, जैसे कि टीचिंग एंड करियर अपॉर्चुनिटीज में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी एक फिजिकल एजुकेटर है उसको क्या होती है, एक बहुत ही ज्यादा अच्छी रिस्पेक्ट अर्न करता है वो, क्योंकि भाई वो आने वाली जो अपनी समाज है, जो समाज बोल रहा हूँ सॉरी, जो आने वाली अपनी जनरेशन है उसको क्या कर रहा है, फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली फिट बना रहा है, जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, याद है आपको, अभी भी बोल रहा हूँ यार, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा वो बिल्कुल देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड विदाउट एनी डिले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मैं अभी टीचिंग करियर की अभी मैं बात कर रहा था, टीचिंग करियर में सिंपल सी बात है कि भाई वो क्या करता है, कोई भी एक फिजिकल एजुकेटर है वो बहुत ही ज्यादा एक रिस्पेक्ट अर्न करता है स्टूडेंट्स के बीच में, अदर स्टाफ्स के बीच में, ठीक है, और एक सोसाइटी में भी, क्योंकि क्या हो रहा है कि भाई वो क्या कर रहा है, अपनी आने वाली जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको क्या कर रहा है, फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली वो क्या करता है, फिट बना रहा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, आने वाली जनरेशन अगर हमारी स्ट्रांग होगी तो हमारा देश एक अच्छी तरह से इकोनॉमिकली डेवलप कर पाएगा, स्पोर्ट्स में डेवलप कर पाएगा, साइंस में डेवलप कर पाएगा, हर चीज में डेवलप कर पाएगा बेसिकली। तो समझ सकते हो आपकी एक फिजिकल एजुकेटर की इंपॉर्टेंस कितनी होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कोचिंग करियर के बारे में, स्पोर्ट्स कोचिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्पोर्ट्स कोचिंग की अगर हम लोग बात करें तो भाई स्पोर्ट्स कोचिंग में भी क्या है कि भाई बहुत ज्यादा अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है आपकी, ठीक है, बट स्पोर्ट्स और कोचिंग में ज्यादातर मतलब आप समझ सकते हो ना क्या होता है कि जो एक स्कूल का फिजिकल एजुकेटर ही है वही क्या करता है कि ज्यादातर अपनी कोचिंग भी खोल देता है, मतलब कि सुबह जैसे आप समझ सकते हो कि मतलब मॉर्निंग टाइम पे वो बेसिकली अपनी क्लासेस लेते हैं स्कूल में एंड इवनिंग टाइम पे वो क्या करते हैं अपनी कोचिंग चलाते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है, कुछ कुछ क्या करते हैं स्पेसिफिकली क्या करते हैं कि वो सिर्फ
कोचिंग करियर में ही ऐसा ध्यान देते, मतलब मॉर्निंग टाइम्स में क्लासेस नहीं देते कहीं किसी स्कूल में फिजिकल एजुकेटर, वो एज अ फिजिकल एजुकेटर एम्प्लॉयड नहीं रहते, वो सिंपल अपनी कोचिंग चलाते हैं। और कुछ कुछ होते हैं तो दोनों करते हैं, ठीक है, जो फिजिकल एजुकेटर्स होते हैं वो अपनी मॉर्निंग में स्कूल्स में क्लासेस भी लेते हैं एंड शाम को जो इवनिंग टाइम है उसमें क्या करते हैं, कोचिंग भी हेल्ड करते हैं। ठीक है, कोचिंग करियर की अगर हम लोग बात करें तो भाई एक कोचिंग करियर का एक बहुत ही ज्यादा मतलब एक कोचिंग्स का जो हमारे देश में कोचिंग्स है उनका एक बहुत ही ज्यादा मेन रोल है हमारे देश की जो स्पोर्ट्स की व्यवस्था है उसे क्या करना, जो स्पोर्ट्स का एक स्टेटस है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कि वो रहता है कि भाई की एक स्पोर्ट्स के स्टेटस को इंक्रीज करने में कोचिंग का बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई जब अपनी ओलंपिक में परफॉर्मेंसेस डाउन जा रही थी तो क्या हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा कोचिंग से अभी थी इस्टेब्लिश हुई थी, जिसने देखी होगी फर्स्ट और सेकेंड तो उसको पता होगा। ठीक है भाई, तो देख लेना एक बार। ठीक है, अगर हम लोग बात करें स्पोर्ट्स कोचिंग में तो यही चीजें हैं भाई। दूसरी चीज क्या होता है कि कोई भी भाई एक स्पोर्ट्समैन बनेगा, सबसे पहले जो स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन हम लोगों ने बात करी थी सबसे पहले, तो कोई भी अगर एक प्रोफेशन चुनेगा स्पोर्ट्स को तो सबसे पहले कोचिंग से ही तो स्टार्ट करेगा, कोचिंग में ही तो वो जाएगा समझने के लिए मतलब अपने स्पोर्ट्स में मास्टरी हासिल करने के लिए। ठीक है, उसमें ट्रेनिंग करने के लिए, उसमें और ज्यादा बेहतर बनने के लिए सबसे ज्यादा कहां पे जाएगा, कोचिंग में जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कोचिंग में क्या होती है कि एज अ करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि भाई बच्चों में क्या होता है कि खेलने का एक क्रेज भी रहता है। ठीक है, तो कोचिंग की क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज है कोचिंग में वो बहुत ज्यादा अच्छी है बेसिकली। दूसरी चीज भाई क्या होती है कि कोचिंग में क्या रहती है कि जो भी अपना भाई कोच रहता है उसको भाई मतलब काम तगड़ा वाला रहता है, मतलब सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बुक में मेंशन ये नहीं करा हुआ है, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि भाई ये कोई भी एक कोच है तो उसको क्या करना पड़ता है कि भाई अपनी टीम को मोटिवेट करके रखना पड़ता है रेगुलर, उसके मतलब कि अगर टीम अच्छा नहीं कर रही है तो प्रैक्टिस आवर्स को बढ़ाना पड़ता है, रेगुलर मैचेस को कंडक्ट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से भाई क्या हो कि मतलब पता चले कौन से प्लेयर की परफॉर्मेंस बढ़ी है, कौन से प्लेयर की परफॉर्मेंस घटी है, अपनी टीम को मोटिवेट करके रखना ताकि एक बेस्ट रिजल्ट टीम उसे दे सके। तो भाई बहुत काम रहते हैं किसी भी एक कोच के। ठीक है, कोचिंग करियर मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, इजी नहीं है, बट कोचिंग करियर है भी अच्छा। ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है एंड हार्ड भी है उतना ही। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर हेल्थ रिलेटेड करियर्स के बारे में। उम्मीद है यार अभी तक स्पोर्ट्स प्रोफेशन, टीचिंग करियर एंड स्पोर्ट्स कोचिंग आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ रिलेटेड करियर्स के बारे में। हेल्थ रिलेटेड करियर्स की अगर हम लोग बात करें, हेल्थ रिलेटेड करियर सिंपल से क्या होते हैं कि भाई आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें, आधी से ज्यादा अपनी जो जनता है वो क्या है, अनहेल्दी है ड्यू टू द ऑयली फूड एंड अनहेल्दी फूड। ठीक है, अधिकतम जो अपनी देश की जनता है वो क्या होती है, अनहेल्दी आज के टाइम पे। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, दीज काइंड ऑफ डिफरेंट डिजीजेस दे आर सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, सो भाई हर कोई चाहता है कि वो क्या रहे, फिजिकली फिट रहे, उसकी मतलब जो फिटनेस है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। तो उसके लिए क्या है कि हमारे देश में क्या है कि मतलब उसी को देखते हुए अब गवर्नमेंट मतलब कि अब एक और अपना करियर अपॉर्चुनिटी आई है फिजिकल एजुकेशन में, वो क्या है भाई, हेल्थ रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज। इसमें बेसिकली सिंपल सी बात है, हम लोग देखते हैं कि भाई डिफरेंट फिटनेस क्लब्स खुले हुए हैं आज हमारी कंट्री में, जो हमें क्या करते हैं, फिटनेस मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, जो किसी भी एक इंडिविजुअल को फिट बनाते हैं और उसकी फिटनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइक जिम्स हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स होते हैं। इसी में एक और अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है कि भाई जो अपने फिटनेस कोच रहते हैं, ठीक है, जैसे जिम में रहते हैं ना एक फिटनेस कोच रहता है, तो समझ रहे हो ना कि उसकी भी क्या एक करियर, मतलब उसको जितने ज्यादा मतलब समझ रहे हो, जितने ज्यादा फिटनेस क्लब्स खुलेंगे, जितने ज्यादा ये फिटनेस क्लब्स खुलेंगे, उतनी ज्यादा इन लोगों की जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं इनकी जो एम्प्लॉयड होने की जो संख्या है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, इनको भी ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड करियर, आप लोगों को समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर समझ नहीं आगे तो भाई एक बार कमेंट कर देना यार, बना देंगे फिर से। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स ऑफिशियलिटी। स्पोर्ट्स ऑफिशियल भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भाई किसी भी मैच की एक स्मूथ कंडक्टिंग में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि भाई इमेज आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी यार। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स ऑफिशियटिंग की,
स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स का भाई एक बहुत ही ज्यादा मेन रोल रहता है किसी भी एक स्पोर्ट्स इवेंट की स्मूथ कंडक्टिंग में। ठीक है भाई, अगर कोई भी मतलब कि मान लो कोई भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, ओलंपिक्स खेले जा रहे हैं, तो भाई इनकी एक जो स्मूथ कंडक्टिंग है, इनको मतलब कि प्रॉपरली कंडक्ट हो सके, कहीं पे भी कोई रुकावट ना है, ठीक है, कहीं पे भी स्कोर मेजरमेंट में कोई एरर ना है, ठीक है, कहीं पे भी जो मतलब कि डिसीजन लिया जा रहा है उसमें कोई एरर ना है, तो इसका काम क्या रहता है, ये किसका काम रहता है, ऑफिशियल्स का। अगर ऑफिशियल्स नहीं होंगे किसी भी एक टूर्नामेंट में, किसी भी एक इवेंट में ऑफिशियल्स नहीं होंगे, तो कैसे वो मैच प्रॉपरली खेला जा पाएगा, कैसे वो इवेंट प्रॉपरली हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो स्पोर्ट्स ऑफिशियल भाई कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम लोग सिंपली देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में हम लोग देखते हैं, जजेस हो गए, रेफरी हो गए, अंपायर्स हो गए, स्कोर कैलकुलेटर हो गया, टाइम कैलकुलेटर, जो टाइम कैलकुलेट करने वाले होंगे, वो स्कोर कैलकुलेट करने वाले होंगे, ठीक है, जो जजेस होंगे, ठीक है, रेफरी किसमें होगा, फुटबॉल में होगा, अंपायर किसमें होगा, क्रिकेट में होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स हेल्प करते हैं किसी भी एक इवेंट को प्रॉपरली कंडक्ट कराने में। क्या बोला मैंने, ये ऑफिशियल्स हेल्प करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट को प्रॉपरली कंडक्ट कराने में, ठीक है, इनका बहुत ही ज्यादा मेन रोल रहता है भाई, जैसे ही हम लोग बात करें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स का, उम्मीद है स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स का काम समझ आ गया होगा। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट है, वैसे एक और पॉइंट सिंपली क्या है कि भाई स्पोर्ट्स ऑफिशियल में क्या होता है कि मतलब जो इनकी सैलरी सेट रहती है, मतलब जो इस करियर अपॉर्चुनिटीज में जो सैलरी का पे आउट रहता है वो किस हिसाब से सेट रहता है कि भाई सबसे पहले अगर कोई स्टेट लेवल के इवेंट्स को मतलब कि प्रॉपरली कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है, तो उसकी सैलरी क्या होगी, कम होगी उस हिसाब से। अगर कोई नेशनल लेवल के इवेंट्स को प्रॉपरली कंडक्ट करा रहा है उसकी सैलरी ज्यादा होगी, अगर कोई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को कंडक्ट करा रहा है उसकी सैलरी और ज्यादा होगी, एंड कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, ओलंपिक्स, इन जैसे जो ऑफिशियल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स, इन जैसे इवेंट्स को कंडक्ट करा रहे हैं, मतलब प्रॉपरली कंडक्ट कराने में हेल्प कर रहे हैं, उनकी पे आउट और ज्यादा होगी। होप इट इज क्लियर। मतलब इसकी पे आउट किस पे डिपेंड करती है, लेवल पे डिपेंड करती है, ठीक है, लेवल पे डिपेंड करती है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेनिंग सेक्टर की। ट्रेनिंग सेक्टर भाई अपना क्या रहता है, ट्रेनिंग सेक्टर यार सिंपल सी बात रहती है कि भाई ट्रेनिंग, जहां पे स्पोर्ट्समैन को ट्रेन किया जाता है, मतलब ये एक सिंपल सा, मतलब कि ट्रेनिंग सेक्टर और कोचिंग सेक्टर में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है भाई, ठीक है, सेम वही चीज है, ठीक है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही चीज। अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन से। कंक्लूजन से हम लोग बात यही चीज है कि भाई फिजिकल एजुकेटर में अगर हम लोग बात करें तो भाई बहुत ही ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है, करियर अपॉर्चुनिटीज का भरमार है यार, कम नहीं है करियर अपॉर्चुनिटीज। और एक और चीज है भाई जो मैं अभी बात नहीं करी मैंने, एक और करियर अपॉर्चुनिटीज है जो है एज अ मीडिया की, मीडिया की भाई करियर अपॉर्चुनिटीज भाई मीडिया में तो अगर मैं बात करूं बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। आप लोग क्या जा सकते हो मीडिया में, आप किस में जा सकते हो, रेडियो है मीडिया में, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स हैं भाई, स्पोर्ट्स चैनल्स हैं लाइक है 10 स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स, जो 24/7 भाई क्या करते हैं, कवरेज लेते रहते हैं, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग है भाई, डिफरेंट डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज भाई आप देख सकते हो एक मीडिया के अंदर। अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आप अगर जाते हो तो यू कैन सी दैट देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है।